उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। इस चरण में कुल 61 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक दल के दिग्गज मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में यादव परिवार की बहू अर्पणा यादव ने चुनावी रण में उतरकर बयानबाजी तेज कर दी है। अर्पणा यादव ने सपा पर निशाना साधते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने को कुछ अलग अंदाज में बयां किया। अर्पणा ने कहा है कि पंजे का इस्तेमाल करना, साइकिल पर चले जाना और वोट कमल को देना। अर्पणा ने कहा कि पंजे का इस्तेमाल करके साइकिल पे चले जाना और वोट कमल को देना। नेक्स्ट नाइन नेशन के लिए नेक्स्ट नाइन नेशन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जितना सोच रखते हैं सबके लिए, उनका जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, है कोई और नेता जिन्होंने सारी जातियों के लिए सोचा हो? कभी ये ना देखा हो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन अंधा है? कभी नहीं, ये हुआ ही नहीं कभी भारत में। तो इसलिए पंजे का इस्तेमाल करना, साइकिल पे चले जाना और वोट जब डालना तो कमल को डाल देना। इस समय चुनाव के वक्त क्यों ज्वाइन कर ली, क्या इसका उद्देश्य था? तो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, और शायद ये मैं दोबारा तिबारा चौबारा कई बार बता सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस भारत देश के गौरव और इस भारत को समग्र बनाने का प्रयास किया है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्यों ना जुड़ू मैं और क्यों ना मेरे सब लोग जुड़े इस पार्टी से। परंपरा चली आ रही है उनके मठ की, उनके अखाड़े की, उसको नहीं छोड़ा, पर आगे की भी विकास की योजनाएं और विकास का पहिया आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने 29 से भी ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेजों का और स्वास्थ्य